अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। AIMIM डबेपुरा कॉरपोरेटर पर तलवार से हमले का वाकया पेश आया। तफसलात के मुताबिक अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के तहत AIMIM डबेपुरा कॉरपोरेटर जनाब आलम दरवलजाही साहब के कार पर हमला किया गया। हमलावर का नाम अमर सिंह 34 साला बताया जा रहा है, नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाला है। अमर सिंह ने तलवार से AIMIM डबेपुरा कॉरपोरेटर जनाब आलम दरवलजाही साहब पर हमला करने की कोशिश किए। इस दौरान मौजूदा लोगों पर भी हमला किया गया और 3 कार डैमेज हुई। इस हमले में मेहदी हुसैन शारियार वलजाई और गाजी हुसैन पर भी हमला किया गया। चादर घाट ब्रिज के करीब विक्टोरिया प्लेग्राउंड के रूबरू यह हमला पेश आया। इस हमले में गाजी हुसैन शदीद जख्मी हुए हैं। अमर सिंह ने उन पर तलवार से हमला किया जिससे उनका खांदा शदीद जख्मी हो गया। मीडिया से बात करते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के CI रविंदर रेड्डी ने कहा कि अमर सिंह पर 307 IPC के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। अमर सिंह के पास से तलवार भी जब्त कर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने 10 News 247 को YouTube पर सब्सक्राइब करें। 10 News 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट 10 News 247। स्कॉर्पियो में निकले, वो चादरगढ़ ब्रिज से इस तरफ आ रहे थे, रंगमहल तरफ आ रहे थे। वो लोग बंजराइल जाने वाले थे। 7:30 PM को वो लोग साई बाबा टेम्पल पार होके उधर झोपड़े थे। वो लोग जा रहे थे, सडन पीछे से एक आदमी उनका स्कॉर्पियो को गाड़ी के पीछे से डैमेज करे। सडन वो लोग क्या हुआ देखने के लिए रोके गाड़ी को। इतने में वो लोग नो एक आदमी, वो हाथ में चाकू है, वो ड्राइवर सीट में जो बैठा है गाजी हुसैन, उनको चाकू से मारे और राइट शोल्डर को पीछे से इंजरी हुआ। इमीडिएट थोड़ा वो लोग स्कॉर्पियो से आगे निकल के बच गए और उनका कंप्लेंट के ऊपर 307 बुक करके गाजी हुसैन को हॉस्पिटल को भेजे। अभी उन्हें उतना प्रॉब्लम नहीं है। और जो बंदा अमर सिंह जो चाकू से मारा, अमर सिंह नांदेड़ का है, इन्हों अभी कस्टडी लिए और इनका वेरीफाई कर रहे हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे हैं। ये अमर सिंह उधर फुटपाथ पे छिड़ी बुड़ी बेचने वाले हैं और उनका वाइफ भी बच्चे भी पीछे गली में रह रहे, उन्हें पी ले के है, नशे में करे, फिर भी उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे, 307 में FIR बुक करे और अभी आदमी कस्टडी में है। ये सिर्फ गाजी हुसैन को मारा या किसी और लोग को भी मारा? और कितने आदमी, कितने गाड़ी? गाजी हुसैन को मारा, अकेला गाड़ी हुसैन को इंजरी पड़ा और ये स्कॉर्पियो और सामने का और एक पहले गाड़ी गया, वो गाड़ी भी डैमेज हुआ, ये नशे के इसमें हुआ। फिर भी चाकू यूज़ करके बहुत इंसिडेंट होने वाला था, बच गए हैं, इनके इमीडिएट कस्टडी में लिए, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वेरीफाई कर रहे हैं हम।